वो तो है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारी फेवरेट आर्टिकल, कोई खूबसूरत चीज चीज भगवान के लिए लेकर के आनी चाहिए. सो वी शुड नॉट कम टू द टेम्पल एम्प्टी हैंडेड. ओके, और साथ ही देयर आर वेरियस एग्जांपल्स हाउ समबडी ऑफर्ड समबडीज फेवरेट थिंग टू द लॉर्ड. या इसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि तिरुपति बालाजी में, बालाजी में अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने बाल चढ़ाते हैं. कि कलयुग में सबसे ज़्यादा प्यारे क्या हैं? बाल. लावण्य केश धारणम. कलयुग में सुंदरता तो बालों से ही जानी जाती है. इस आप देखो, लोग बाल जो है ब्लीच कराएंगे, उनको स्ट्रेट कराएंगे, उनको कर्ली कराएंगे, कुछ ना कुछ बालों के साथ करेंगे. कभी चीर निकालेंगे, कभी तेरे नाम वाला कर लेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे वो, क्योंकि बाल जो है बड़े ज़रूरी हैं, है ना. बाल बाल बचे तो बाल जो है बहुत ज़रूरी हैं. तो तिरुपति बालाजी जी में जब लोग जाते हैं तो लोग अपने बाल चढ़ाते हैं, तो दिस पर्टिकुलर लिम इज प्रैक्टिस देयर ऑफरिंग वंस फेवरेट आर्टिकल. स्पेशली स्त्रियाँ, स्त्रियों के लिए तो बाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी घुमाना. सो दैट फेस तिरुपति बालाजी में इवन सी वी सी माताजी इज देयर बाल्ड. और हमारे फ्रेंड युवा सिंह क्या कहते हैं, प्रभु ब्रह्मचारी लाइफ के लिए ना बेस्ट जो जगह है ना तिरुपति है. इवन इफ यू लुक एट so there are many ladies also, they are shaven headed, yeah. तो हालांकि कुछ जैसे oh my god भी में से कि क्या भगवान उसे बाल चाहते हैं, हैं उसमें सफेद बाल, काले बाल, जू वाले बाल. और जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, बालाजी ने बाल 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 बाल. This is how it is mentioned in oh my god by कांजी भाई. लेकिन भगवान असल में बाल नहीं देते, और ऐसे भी नहीं कि बाल जो छुड़ा करके बालाजी के कमरे के भर दिया जाते हैं कि वो जो दरवाजा खोले बाल 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 बाल. वो तो नाई के यहाँ चढ़ते हैं एक्चुअली, और उनके यहाँ जो पर्टिकुलर नाई होते हैं जो बालाजी में तिरुपति वाले तिरुपति में, वो वहाँ पर वो करते हैं, दैट्स इट लाइक दैट. पर ऐसे नहीं कि वो झूम वाले बाल, काले बाल, सफ़ेद बाल, वो करली वाले बाल, वो स्ट्रेट वाले बाल, फिर वो बालाजी वो बाल बाल बाल. एक्चुअली उसमें जो इमोशंस हैं, भावनाएँ हैं बालाजी के यहाँ पर जो जो बाल चढ़ाते हैं भगवान को, जो कि बाल बड़े प्रिय हैं हमको, उसमें जो वैल्यू सिस्टम है वो ये है कि मेरे लिए बाहर की सुंदरता ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए अंदर की सुंदरता वो ज़्यादा ज़रूरी है. दैट्स द वैल्यू सिस्टम बिहाइंड दैट रिचुअल. बिकॉज इफ समबडी इज एक्सटर्नली ब्यूटिफुल, दैट पर्सन इज अट्रैक्टिव. बट इफ समबडी इज इंटरनली ब्यूटिफुल, दैट पर्सन इज कैप्टिवेटिंग. क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, बींग अट्रैक्टिव और बींग कैप्टिवेटिंग? कैप्टिवेटिंग. लेकिन कैप्टिवेटिंग कौन लोग होते हैं? दोज आर इंटरनली ब्यूटिफुल. दोज आर एक्सटर्नली ब्यूटिफुल, दैट अट्रैक्टिव. क्या बात है, वाह मैन, क्या हो अट्रैक्टिव. फिर जब चला गया, चली गई, अब आगे निकल गए, फिर नया अट्रैक्शन. लेकिन कैप्टिवेटिंग में क्या होता है, द पर्सन कॉन्टिन्यूज टू स्टे इन आर हार्ट्स बिकॉज ऑफ द प्योरिटी ऑफ द पर्सन, राइट. सो दैट इज इंटरनल ब्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्सटर्नल ब्यूटी, एंड दैट इज द वैल्यू सिस्टम. ये वैल्यू सिस्टम है बालाजी में बाल आने का, कि हमारे फेवरेट आर्टिकल क्या है, बाल, और इसको हम चढ़ाएंगे लाइक दैट. तो दैट्स अ वैल्यू सिस्टम बिहाइंड इट. इनफैक्ट बालाजी में एक बार ऐसा भी हुआ था, तिरुपति बालाजी में देयर वाज वन कपल, उन्होंने मन्नत मांगी थी कि ना हमको बेटा हो, और बालाजी को उन्होंने प्रॉमिस किया कि ना जब होगा तो हम बेटे के साथ आपके पास आएंगे. ऐसा किया उन्होंने, तो बालाजी की फिर कृपा से उनको बेटा हो भी गया. तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम तिरुपति आएंगे बालाजी के दर्शन करने के लिए. तो तिरुपति बालाजी जो दर्शन करने के लिए आए, तो माता जी जब झुकी प्रणाम करने के लिए, तो हाथ से बेटा फिसल करके जो जो उनकी पेटी होती है इसमें कि धान जाता है उसमें चला गया. वो कहता अरे बच्चा 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 बाहर चल गया जी, बच्चा बच्चा. तो फिर उसके बाद वो खोला गया, नीचे से बच्चे को लेकर के आए, और माँ ने चूमा उसको. लेकिन वहाँ जो भक्त थे उन्होंने बोला, ये बच्चा आपका ये कैसे, कहते हमने ना मन्नत मांगी थी कि एक बार हमारा बच्चा हो जाएगा ना, आपके दर्शन करने जरूर आएंगे. वो प्रणाम किया तो स्लिप हो गया मेरे हाथ से और वो चला गया. कहते ये तो देखिए अर्पित हो गया तो बालाजी को. तो एक्चुअली हस्बैंड वाइफ थे जिनको इतनी मुश्किल से भी बच्चा प्राप्त हुआ था, वो सोच मड़ के कहते वाकई में बात तो वैसे ही है. तो हस्बैंड कह रहा था नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ कहने की बात है, वो स्लिप हो गया और क्या, हमने ऐसा थोड़ी किया ये बच्चा आप ही का है, समर्पयामि, हमने ऐसा थोड़ी किया था. नहीं तो वो स्लिप हो गया तो. लेकिन जो माता जी थी ना वो अटक गई, कहते हैं देखो वो ये हुआ भी है. उसके बाद ना उस भक्त ने कन्फर्म भी किया इस बात को, तो हमने ना ये इस बच्चे को, क्योंकि बालाजी को हो गया अर्पित, ये हमें दे देना चाहिए इसको. एंड देन दैट बॉय वॉज गिवन टू तिरुपति बालाजी, और फिर उसको बड़ा किया गया, दैन ही इज सर्विंग देयर इन द टेम्पल. और उसके बाद उनका दूसरा बच्चा भी हुआ है, दे गॉट अनदर सन बाय द मर्सी ऑफ तिरुपति बालाजी. बट दिस वॉज देयर फेवरेट आर्टिकल, अ लिविंग आर्टिकल.
सन जो कि बड़े मुश्किल से प्राप्त हुआ सालों के बाद, वो स्लिप हो गया। सो फिर ओके, फिर बालाजी का ही तो हस्बैंड, फिर ऑफकोर्स ही ऑल्सो लेटर ऑन ही गेव हिज कंसेंट की ठीक है अब बालाजी की यही इच्छा है, क्योंकि तुक्के से नहीं होते, भगवान के धाम में कोई तुक्का नहीं होता, देयर इज नो सच थिंग एज तुक्का। बाय चांस क्या हुआ, बच्चा फिसल गया। बाय चांस, वो कोइंसिडेंटली, यू नो कोइंसिडेंटली, ये सब नास्तिक शब्द है, बाय कोइंसिडेंस, बाय चांस, तुक्के से हो गया। मेरी मेरी वो सिक्स सेंस बोल रही है, क्या तेरी सिक्स सेंस है कौन सी? अच्छा वो दैट्स माय इंट्यूशन। पर बेसिकली इंट्यूशन भी क्या होती है, दैट्स द दैट्स अ वॉइस ऑफ सुपर सोल। तो सुपर सोल को तो हम किनारे कर देते हैं, वेल माय इंट्यूशन लाइक दैट। तो ये सब नास्तिक शब्द हैं, इंट्यूशन, बाय चांस, समहाउ, ये सब नास्तिक शब्द हैं बेसिकली। सो एवरीथिंग इज बाय द विल ऑफ द लॉर्ड। तो इस बात को कंसेंट देते हुए दे ऑफर देयर सन टू तिरुपति बालाजी। इनफैक्ट राधा गोपीनाथ टेम्पल हमारा चौपाटी में, वहां पर एक डिवोटी, उसने अपने बॉक्सिंग ग्लव्स ऑफर किए राधा गोपीनाथ को। तो पुजारी था, उसने ये क्या ऑफर कर रहे हो? अरे प्रभु जी, यू नो आई डू बॉक्सिंग, मेरा आज मैच है, इसको जब पहन के मैं पंच मारूंगा ना, ही विल गेट मर्सी ऑफ राधा गोपीनाथ। सो यू आर ऑफर्ड हिज बॉक्सिंग जो ग्लव्स होते हैं टू राधा गोपीनाथ। सो लोग ऐसी चीजें भी जो है भगवान को ऑफर करते हैं। एंड अ वेरी सीवियर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज दैट ऑफ रावण। रावण व्हेन ही वाज इन अ स्प्री टू कॉन्कर द वर्ल्ड, तो भाई सब कैलाश ही पहुंच गए। अभी शिवजी का भी भक्त बने नहीं, अभी भक्त बनेंगे ये। तो इन्होंने क्या किया, कहते हैं मैं कैलाश को जीत लूंगा मैं। तो पहले तो महादेव को खूब चिल्ला चीखे चिल्लाए, अब महादेव तो आए नहीं, महादेव इज इन मेडिटेशन। तो इस भाई साहब ने क्या किया, कैलाश के नीचे अपने हाथ डाल दे, कैलाश को उठाने के लिए लंका ही ले जाऊंगा कैलाश को मैं। तो नीचे उठाया तो पार्थिव माने बोला, कहते हैं सुनते हो ये भाई साहब आए हुए। तो फिर शिवजी ने क्या किया, अपना पाँव लिया और ऐसे नीचे रख दिया, नीचे रख दिया, वो दब गया, बाहर दब गया उसके। बच गई भाई साहब की ऐसी तैसी हो गई। तो शिवजी ने फिर क्या किया, अपने पाँव उठा लिए फिर, ठीक है। तो उस लगे उसके हाथ जो है अब रावण के अब ऐसे हो गए, बुरे हाल हो गए इनके, चीखे चिल्ला रहे। तो इन्होंने स्तुतियां गानी शुरू की, ठीक है, स्तुतियां गाने शुरू किए। तो फिर शिवजी ने क्या किया, जो जो रुद्र गीत होता है इन्होंने वो गाया शिवजी को प्रसन्न करने के लिए। तो शिवजी ने उसमें नृत्य भी किया, तो नृत्य किया तो इसने क्या किया, पास में एक वीणा पड़ी थी, वीणा लेकर के इसने वीणा बजानी शुरू की। रावण ने उन हाथों से वीणा बजानी शुरू की, तो टूटे हुए हाथ है लेकिन, बट वो वीणा बजा रहा है रावण जो है, वीणा बजा रहा है। वीणा बजाते बजाते क्या हुआ कि वीणा की जो तारे थी वो टूट गई। पर उसको लगा अब शिव जी जो है उनका नृत्य रुक जाएगा। सो ही टुक आउट हिज इंटेस्टाइंस और उनको बजाना शुरू कर दी। ही ऑफर्ड हिज इंटेस्टाइंस टू प्लीज लॉर्ड शिवा। सो देन लॉर्ड शिवा व्हेन ही स्टॉप, देन ही स्टॉप, उसके बाद देन ही फेंटेड। पर शिव जी जो है उनसे बहुत प्रसन्न हुए, तो उनकी फिर आंतें ठीक कर दी, हाथ पर ठीक कर दिए उनके लाइक दैट, उनको पाशुपत अस्त्र भी दिया। और उन्होंने कहा ठीक है आप ना मुझको इमोर्टैलिटी दे दो, तब उन्होंने मना किया है कि देखो इमोर्टैलिटी मैं नहीं देता, ये दिस दो आई कैन गिव बट आई विल नॉट गिव, इसके अलावा कुछ और मांग लो। कहते ठीक है, एक तो आप मुझे पाशुपत अस्त्र दे दीजिए और जब मैं आपको याद करूँ आप आ जाइएगा। कहते ठीक है जी, ऑलराइट। बट एट दैट टाइम रावण ने जो किया वॉज रियली इमेंस, ऑफरिंग फेवरेट आर्टिकल में कोई अपनी आती निकाल कर बजाना शुरू कर दे। दिस इज हेवी, यू नो। So that is, this is one of the limb of devotional service, which is offering a favorite article.